नमस्कार दोस्तों, रानीगांव बॉयज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकी सिंह। हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल के बारे में। राजस्थान के अंदर बोकलाई कांग्रेस की सरकार हर दिन विवादित बयान दे रही है। इसी पर तंग आकर अशोक गहलोत ने बेनीवाल पर बड़ा बयान दे दिया है, क्योंकि राजस्थान के अंदर बेनीवाल का बड़ा डंका बजता है। वहीं पे बेनीवाल के कई प्रशंसक और युवा बेनीवाल के साथ में जुड़े हुए और हर दिन उनके साथ में रहते हैं। इसी वजह से बेनीवाल हर दिन कांग्रेस की हालत खराब करते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से बोकलाई अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा बयान दे दिया है कि अगर अब हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में आंदोलन आदि की चेतावनी दी तो हनुमान बेनीवाल के लिए अच्छा नहीं होगा। इसे लेकर बेनीवाल और युवा कांग्रेस सरकार का बड़ा जवाब भी दे सकते हैं। हनुमान बेनीवाल हमेशा किसानों और युवाओं के लिए तत्पर तथा उनके फायदे की बात करते हैं। इसी वजह से कांग्रेस की हालत खराब रहती है। अभी सांसद बनने के बाद अशोक गहलोत की काफ़ी ज़्यादा हालात खराब कर दी है। इसी वजह से बेनीवाल का राजस्थान में सबसे ज़्यादा खौफ नज़र आ रहा है और युवा भी बेनीवाल के सबसे ज़्यादा फैन बने हुए हैं, क्योंकि बेनीवाल हमेशा सही मुद्दों पर बात करते हैं। इसी वजह से कांग्रेस हनुमान बेनीवाल से नाराज चल रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बेनीवाल से गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार से गठबंधन न करके बीजेपी से गठबंधन कर लिया। कांग्रेस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए मोदी सरकार का तरफ रुझान दे दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ और हर तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।